लव्स, माय नेम इज मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करने के लिए मेरे इन यूजर नेम्स को उन जगहों पे सर्च करें और फॉलो करें, लाइक करें एंड या अब वीडियो की तरफ बढ़ें। जब गर्लफ्रेंड, वाइफ या मॉम गुस्सा होती हैं, अपसेट होती हैं, तो पूरा घर अपसेट हो जाता है। If she will be happy, you will be happy, your surrounding will be happy, and there are two ways to make your girlfriend happy. First is to make her feel beautiful and lovely, and second is to maintain her beauty at any cost. But agar aap itte zyada unfortunate ho ki aapne usko unhappy kar diya hai, to please refer to the 5 following points jo mere dwara summarized kiye hue hain, kyunki maine ye nahi rakhta ki aap गलत हो, आप सही हो या वो गलत या सही है। मैंने ये रखता है कि आप खुश नहीं हो अभी एंड यू वॉन्ट टू मेक हर हैप्पी, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर वन, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर बाय आर्ग्यूइंग बैक। इन सिंपल वर्ड्स, आग में घी मत डालो बहस करके। क्योंकि जब इंसान गुस्सा होता है तो उस वक्त वो गुस्सा कम और पेन या हर्ट ज़्यादा फील कर रहा होता है, तो उस टाइम नो अमाउंट ऑफ लॉजिक और रीजनिंग कैन मेक हर काम और रिलैक्स्ड। तो उस वक्त आप को मतलब शी डोंट नीड आर्ग्यूमेंट्स, शी नीड पेशेंस, शी नीड्स लव। तो जिसको आप जताने के लिए उनको एक वार्म हग दे सकते हो, एक प्यार सा हग, चाहे आपकी मॉम गुस्सा है या सिस्टर गुस्सा है या वाइफ या गर्लफ्रेंड, तो उस वक्त आप उनको एक प्यार सा हग करोगे तो वो उनके गुस्से को, उनके पेन को काम करेगा, ना कि आपकी रीजनिंग्स या लॉजिक्स या यू नो सफाई देना। नंबर टू, मेक हर फील वैल्यूड। प्रॉब्लम वहीं पे आती है जब आप उन्हें मनाने की कोशिश करते हो जब वो नाराज़ होती हैं। यहाँ पे मैं आई वॉन्ट टू शेयर अ सेइंग विथ यू गाइस दैट रिलेशनशिप ग्रो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट व्हेन वी ट्राई टू कन्विंस। और जब कोई नाराज़ हो जाता है तो हम उसे मनाते हैं, तो उस वक्त आपको बस उन्हें सुनना है। और अगर वो ऐसा कुछ कह रही हैं जो पॉसिबल ही नहीं है करना, तो उस वक्त उस बात को वहीं पर छोड़ दें, बजाय इसके कि उस बात को लेकर उनके अस्तित्व को छोटा महसूस नहीं करने दें। कि मतलब यार, कोई बात जब उनकी नहीं मानी जा रही है तो उस वजह से उनको दिक्कत होती है, या उस वजह से सारा कुछ यू नो गुस्सा या आर्ग्यूमेंट या वो सीन क्रिएट हो रहा होता है, तो उस बात को वहीं पे छोड़ देना चाहिए और उनसे वो बातें करनी चाहिए कि आपके लिए उनके क्या महत्व है, मतलब उनका होना आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो जो बात उसकी नहीं मानी जा रही है वो चुभे नहीं। क्योंकि कुछ भी नहीं होता है जब दो लोग एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। व्हेन यू बोथ ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर फॉर समथिंग, तो किसी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचते हो, या अगर कंक्लूजन पे पहुंच भी गए और पहुंचते पहुंचते दोनों के दिल छिल गए, तो फिर क्या ही मिला ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच के। अगला पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको रेज कॉफ़ी के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कॉफ़ी। रेज कॉफ़ी दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड विटामिन कॉफ़ी है, वरना कौन सी कॉफ़ी आपको विटामिन देती है, है ना। बट रेज कॉफ़ी अवार्ड विनिंग कॉफ़ी है, इन्फ्यूज्ड विद विटामिन्स एंड इट कम्स इन 8 एक्साइटिंग फ्लेवर्स। मैंने इनमें से 3 फ्लेवर ट्राई किए हैं, हेज़लनट, डार्क चॉकलेट एंड कैरेमल। और जो नॉर्मल कॉफ़ी में हल्का सा बर्न टेस्ट आता है, वैसा भी नहीं आता है इसमें। ये प्लेन एकदम नेचुरल टेस्ट है कॉफ़ी का, मज़ा आ जाता है पी के, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ऑल्सो इट्स हेल्दी, क्योंकि इसकी पर सर्विंग पे 5 कैलोरीज ही मिलती है। आप इसको बहुत आसानी से परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऑल्सो आप मेरा कोड यूज़ करोगे हे लव्स, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेंगे। इसकी वेबसाइट पर कुछ तो कोड था जिसको यूज़ करके मैंने ये डायरी ली है, तो बट मेरा कोड यूज़ करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने जब ख़रीदी थी उस वेबसाइट से, तो मैंने 700 से ऊपर की ख़रीदी थी, तो इसलिए मुझे ये डायरी फ्री मिला था। तो ऐसे ही उस वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफर्स हैं, तो उनको आप देख सकते हो विजिट करके। और इसमें से डार्क चॉकलेट में काफ़ी ज़्यादा पी चुकी हूँ, ये आप देख सकते हो, ये फुल एकदम भरा हुआ है और ये थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैं 3-4 बार पी चुकी हूँ। क्योंकि डार्क चॉकलेट मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल भी बिटरनेस नहीं है। जैसे डार्क चॉकलेट हल्की सी बिटर होती है पर बहुत टेस्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मुझे बहुत पसंद है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 3, अपने इमोशंस को पीछे मत रखो। उस पर ध्यान देते देते, उसका ख्याल रखते रखते आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पीछे मत रह जाना। मतलब वॉट वॉज इन योर हेड, क्या आप सोच रहे थे, आपने क्या सोच के किया, या आपको क्या फील हो रहा था, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज़ से, या किस रीज़न से वैसे रिएक्ट किया, कोई और चीज़ का स्ट्रेस था, ये चीज़ें भी आप उनसे कहिए। क्योंकि यू नो आर्ग्यूमेंट, यू कैन नॉट
इग्नोर एवरीथिंग, क्योंकि जब आप इग्नोर करते हो बाय बीइंग क्वाइट, लोगों को लगता है कि हम चुप रहेंगे तो बहस नहीं बढ़ेगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होता है. आपका चुप रहना उनके गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उस चीज़ से, या किस रीज़न से, किसी और स्ट्रेस की वजह से वैसा रिएक्ट किया, बिकॉज इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स द वे यू सेड इट. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके माइंडसेट को जानना उनके लिए, क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप. नंबर 4, राइट अ लॉन्ग टेक्स्ट विथ ट्रू फीलिंग्स. मन की हर बात जो इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट पढ़ने में लड़कियों को बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब उनका पार्टनर उनके लिए इतना सब कुछ लिख रहा होता है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि वाओ, मतलब वो बार 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 ही उस पैराग्राफ को पढ़ती हैं, चाहे वो आप अपोलोजाइज करने के लिखो. वैसे इसमें डोंट जस्ट अपोलोजाइज, इसमें आपका जो भी मन है, जो भी आ रहा है दिमाग में, फ़ाइट से पहले, फ़ाइट के दौरान या फ़ाइट के बाद आपको क्या चीज़ें सूझी, उल्टे सीधे जवाब देने जो सोचते हैं ना फाइट के बाद, वो मत लिखना. जस्ट योर फीलिंग्स, वो जितना ज़्यादा रियल लगेगा, अगर आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है उसमें लिखोगे तो वो ज़्यादा रियल लगेगा. बस उसको समझ में आनी चाहिए वो स्टेट लैंग्वेज, नहीं तो फिर हिंदी बेस्ट है, सबको आती है. नंबर 5, नाउ नेक्स्ट डे ब्रिंग अ रेड रोज फॉर हर. इस तरह से होगी खूबसूरत और प्यारी सी एंडिंग उसके गुस्से की. एंड इफ वो लड़की इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि आप उसको ये नहीं दिलाते, वो नहीं दिलाते, या उसको जो चाहिए वो उसके मन की नहीं होने पे वो ऐसे ब्रूटली बिहेव करने लगती है, तो यू ट्रूली डिज़र्व अ बेटर पार्टनर, क्योंकि आप उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप इस पॉइंट तक भी इस वीडियो को देख रहे हो और इतना सब कुछ करने को रेडी हो. तो मैन, यू ट्रूली डिज़र्व अ बेटर पार्टनर. बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, मुझे क्या. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक आदमी के लिए सबसे हैप्पी मोमेंट तब होता है जब वो अपनी बेटर हाफ को ऐसे बच्चों की तरह खिलखिला के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखता है. तो बिकॉज शी कैन बी मैच्योर विथ एनीवन एक्सेप्ट यू. और अब वक्त आ गया वीडियो को शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का. और मेक श्योर टू चेक द लिंक बिलो, क्योंकि रेज कॉफ़ी इज़ बेस्ट कॉफ़ी. तो मेक श्योर टू चेक इट गाइस. लव यू ऑल.